27 मई युवा सत्ता क्रेस्ट और चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने आज सेक्टर 36 के कन्वेंशन सेंटर में मिलकर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने को लेकर के बातचीत की। यह सोलर एनर्जी बिजली के बिल से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। अगर यह हर घर में उपलब्ध हो तो इससे लोगों को फायदा होगा। इस सेमिनार में चीफ गेस्ट देवेंद्र दलाई उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में अब तक 27 मेगावाट सोलर लग चुके हैं। पिछले साल यह 10 मेगावाट था। चलिए आगे जानते हैं मुख्य अतिथि देवेंद्र ने क्या कहा। देखिए, आज का ये प्रोग्राम जो है क्रेस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। युवा सत्ता भी साथ में थे और चंडीगढ़ व्यापार मंडल का जो सारे मेंबर्स हैं वहाँ पर थे और प्रेसिडेंट वोरा जी थे, पंची जी थे। तो ये मकसद ये प्रोग्राम का था कि लोगों को ये बताए कि सोलर के बेनिफिट क्या है और सोलर से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो एनवायरमेंटल फ़ायदा हो या तो फाइनेंशियल फ़ायदा हो। हम लोगों ने कुछ बिल का एनालिसिस भी किए थे जिसको हम यहाँ पे समझाए कि अगर आप सोलर अपने छत पे लगाते हो तो आपका पे बैक पीरियड क्या होगी, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगी। और लोगों के मन में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी थे कि कैसे लगाएं, कैसे कनेक्शन ले, सब्सिडी कैसे मिलेगा। तो उसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए बड़ा इन्फॉर्मल वे में यहाँ पे एक प्रोग्राम किया और मुझे लगता है काफ़ी हद तक यह सक्सेसफुल रहा। जिनके मन में जो भी क्वेश्चंस था हम उसको कितना सिंपल वर्ड में उसको सिंपलीफाई कर पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे, वो हम करने की कोशिश की। तो चंडीगढ़ में हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं लोगों को, हम कैसे उन तक पहुंचा सकते हैं कि वो सोलर लगाएं? देखिए, चंडीगढ़ जो है ऑलरेडी एक लीडिंग सिटी है। हमारा यहाँ पे 29 मेगावाट के आसपास लग चुके हैं और जिसमें जो है पिछले साल का मैं बात करूँ तो पिछले साल लगभग 10 मेगावाट का यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा है और मैक्सिमम जो है प्राइवेट घरों पे ही है। प्राइवेट घर, इसका मतलब जो है लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसको हम बस आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जिसके छत पे ये सोलर कनेक्शंस नहीं है वो भी आगे आए और इसका फायदा लें। व्यापार मंडल किस तरीके से सोलर को अपनाने की योजना बना रहा है, क्या कुछ फायदे रहेंगे इसके? आज का जो सेमिनार था चंडीगढ़ व्यापार मंडल और युव सत्ता जो एनजीओ है, ज्वाइंटली हमने ये आज सेमिनार करवाया था और जो देवेंद्र दलाई जी हैं IFS, उन्होंने आज हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इससे पहले भी एक मीटिंग हमारी हुई थी उन्नी सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में, जिसमें हमारे एडवाइजर साहब आए थे, परमर राय जी और होम सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल जी। वहाँ भी बहुत यूजफुल उन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। और आज जो सबसे बड़ी बात इन्होंने हमें बताई है कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं तो उन्होंने ऐसे अरेंज करा हुआ है कि वो आप अपनी रूफ रेंट पे दे दो और वो अपने आप इन्वेस्टमेंट सारी करेगा और उसका जो आपकी कंजम्पशन होगी बिजली की, जितनी भी आपकी कंजम्पशन होगी उसका जो पार्ट होगा, अगर सपोज 6 रुपये रेट पर यूनिट का तो उसको 3 रुपये पर यूनिट का बेनिफिट मिलेगा। इट्स ए गुड थिंग। जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते 5-5, 10-10 लाख रुपया, तो उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है ये। और भी इन्होंने टाइम टू टाइम जो अभी रिसेंटली अभी जो चल रहा है ये सिस्टम, तो उन्होंने ये भी इंश्योरेंस दिए अभी कोई पेनल्टी वाला इशू नहीं है। हमारा तो बेसिक नोम यही है कि इसको कैसे बढ़ावा दें, सोलर सिस्टम मैक्सिमम लगाए जाए, सोलर एनर्जी से जितना बेनिफिट हो सके। और ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, जो जितना हम जितना मैक्सिमम सोलर सिस्टम लगाएंगे उतना ही बेनिफिट, चाहे वो व्यापारी है, चाहे हम, जहाँ हम एक तरफ व्यापारी हैं वहाँ हम किसी न किसी घर में रह रहे हैं। जैसे हमने आज अवेयरनेस में मिली है, हम यहाँ पर ऑफिस बेरो थे व्यापार मंडल के थोड़े लोग थे, जल्दी ही हमारी मीटिंग होने जा रही है जिसमें हम 400 मेंबर हैं हमारे व्यापार मंडल के, तो हम ये अवेयरनेस आगे लेके जाएंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, आज हम मैसेज भी डालेंगे जो हम यहाँ से समझ के गए हैं बात, इस तरह हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और ये अवेयरनेस मल्टीप्लाई होती रहेगी, तो ऐसे आगे बढ़ेगा। जैसे आज की ये मीटिंग हुई है, दलाई जी ने सारा कुछ अच्छे तरीके से बताया और जो जो उन्होंने स्कीमें बताई, जो हमने लोगों को कोई क्वेश्चन से क्वेरीज थी उसका जवाब दिया। मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगा क्योंकि बाकी तो हमारे सीनियर बोल गए हैं, हमने एक इनको रिक्वेस्ट किया है और इनको भी अच्छी लगी हमारी वो रिक्वेस्ट। जैसे ये सब्सिडी दे रहे हैं रेजिडेंशियल में, हमने कहा ये कमर्शियल में और इंडस्ट्रियल में क्यों नहीं सब्सिडी दे रहे, ताकि एनकरेजमेंट लोगों को उनको भी मिलनी चाहिए जो कमर्शियल में लगवाना चाहते हैं।
अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।